हेलो जी, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने बना रहे हैं कचौरियाँ। हमारे यहाँ पर मंडी ज़िला में बहुत कचौरियाँ बनाते हैं लोग, काफ़ी फेमस है। तो आपने देखना कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसकी रेसिपी है। तो बने रहे आप इस वीडियो में, शुरू से देखना। दोस्तों, पहले उड़द की दाल को पानी में भिगोने लगते हैं 5 घंटे के लिए। फिर उसको बाद ऐसे मशीन में इसको पीसा जाता है। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से इनको घोलना पड़ता है माँ को। ये देखिए, जितना घोलेंगे उतना अच्छा बनता है टेस्टी स्टफिंग। तो दोस्तों ये देखिए, मसाला पिसा हमने। इसमें लाल मिर्च हो गई, अपनी जो लाल खेतों की लाल मिर्च होती है, और साथ में धनिया हो गया, हरा धनिया भी हो गया, जीरा हो गया, मैं सब कुछ पीसते हैं, लहसुन वगैरह। और ये देखिए, स्टफिंग वाला तैयार हो गया है। और हमने आटा 3-4 घंटे पहले गूंद के रखा था। इसमें कुछ लोग ईस्ट डालते हैं, लेकिन हमने ईस्ट नहीं डाला है। इसमें हमने आटे का जो मलेड़ा होता है उसको रखा हुआ है। हमारे पहाड़ों में ऐसे होता है, जो आटे का ही बनता है, वो 3-4 मतलब हफ्तों पर रहना होता है वो गूंदा हुआ। तो उसको डालते हैं हम ईस्ट के जगह पर। तो अभी हम बना रहे हैं, देखिए इस प्रकार से लोई लेते हैं, फिर उसके अंदर फिर ये स्टफिंग डालते हैं कचौरियों के लिए। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसमें स्टफिंग डालते हैं जो हमने लोई ली थी। अब इसको फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे गोल गोल करके इस प्रकार से। ये देखिए, और फिर साथ में इसको फिर दोनों हाथों से आपस में बनाएंगे कचौरियाँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसको हाथों से बनाते हैं। और साथ में हमने यहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ ऑलरेडी कचौरियाँ बनाई हुई है। और फिर बाद में इनको तेल में फ्राई करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से तेल में इनको फ्राई करते हैं। डेविश, कैसी बनी कचौरियाँ? अच्छी बनी। तो डेविश ने शुरुआत कर दी है। देवते को हमने, भगवान श्री कृष्ण जी को, राम जी को और कुल देवता को हमने भोग लगा दिया है। और उसके बाद हमारी नन्हे मुन्ने को भी हमने खिला दिया है, डेविश को भी खिला रहे हम। दोस्तों फाइनली हमारी कचौरियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बनती हैं कचौरियाँ। खाने को बहुत ही टेस्टी होती है, लाजवाब होती है। आप भी एक बार ट्राई करना जरूर दोस्तों अपने घरों में। तो दोस्तों फाइनली हम कर रहे हैं डिनर। ये दूध है और यहाँ पर चटनी है, इसको खाते हैं दूध के साथ, चटनी के साथ, कुछ लोग घी के साथ खाते हैं इनको। तो दोस्तों अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ डिनर करने के लिए आइएगा। तो बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं ये खाने को। कैसा लगा आपको ये कचौरी वाली वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। आप भी घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कचौरी वाली रेसिपी को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों। खुश रहे, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।